तो दोस्तों मैं सिडनाज की लव बाइट्स मोमेंट की वीडियो लाया हूँ यहाँ, जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के लव बाइट्स देख के आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक नहीं है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो तब शुरू होती है यार जब मेबलिन वाला फोटोशूट खत्म हो जाता है, उसके बाद सब लोग अपने बेड पे जाके बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। तो वहां पर पारस, अब्दुल्ला, माहिरा और हमारे दूसरे बेड पे एक साथ सिडनाज की जोड़ी बैठी रहती है और ऐसे ही गपशप लगाते हैं। तो पारस बोलता है मैं बाहर चल के ना तुम सब लोगों का फोटो शूट करूंगा बढ़िया वाला और पोर्टफोलियो बनाऊंगा। तो वहां पे अब्दुल्ला बोलती है मैंने आने से पहले ही कराया था, थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स खिंचाई थी मैंने, थोड़ी देर के लिए ही मुन्ना से खिंचाई थी, बहुत बढ़िया मुन्ना ने मेरी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें खींची थी। वहां पर पारस बोलते हैं हर कोई मुन्ना से खिंचवाता है ना, जिसको देखो बोलते हैं मेरी फोटो मुन्ना ने खींची, मुन्ना ने खींची, कोई होगा मुन्ना जो फोटोशूट करता होगा, यहाँ उसी के बारे में बात चल रही है। सिद्धार्थ बोलते हैं मुन्ना ने ना मेरा फर्स्ट पोर्टफोलियो खिंचाया था, मेरा जो फर्स्ट पोर्टफोलियो था ना वो मुन्ना ने बनवाया था यार, बहुत अच्छी अच्छी उसने मेरी तस्वीरें खींची थी। आरती ने कहा हाँ, सिद्धार्थ ने कहा बताया था कि मुन्ना ने कि मैंने फोटोशूट कराया उससे, आरती ने कहा नहीं। तो वहाँ पर सिद्धार्थ बोलते हैं तो हाँ क्यों बोल रही है आरती। वहाँ पर सिद्धार्थ ने आरती की ले ली बहुत अच्छे से, आरती बहुत स्मार्ट समझती है ना अपने आप को, अब्दुल्ला समझती है कि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट तो है ही नहीं, जबकि उसको नहीं पता था कि उससे बड़ी गधी पूरे बिग बॉस के इतिहास में आज तक नहीं हुई है। उसके बाद आरती बोलती है मुन्ना मेरा हर साल ना फोटो खींचता है यार, मेरे बर्थडे के दिन ना बढ़िया बढ़िया फोटो शूट होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया मेरी तस्वीरें खींचते हैं। उसी समय माहिरा, पारस, अब्दुल्ला जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन अब्दुल्ला कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती है मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मुन्ना का नाम जपती रहती है कि मुन्ना ने मेरा ये खिंचाया, मुन्ना ने बहुत अच्छा फोटो शूट कराया, मुन्ना अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचते हैं। वहां पे शहनाज गिल की आवाज दब जाती है कि शहनाज गिल सिद्धार्थ से क्या बोल रही थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं और वहां पर शहनाज ने सिद्धार्थ को क्या बोला। वहां पे शहनाज ने सिद्धार्थ को धीमी आवाज पे बोला देख इधर देख क्या हो गया, शहनाज ने अपना हाथ दिखाया सिद्धार्थ को और बोला देख सिद्धार्थ ये क्या हो गया। सिद्धार्थ बोलते क्या कैसे हुआ, ये किसने किया। सना ने बोला अरे तूने किया। सिद्धार्थ बोलते हाय, चिल्ला के बोला जाकर सबको, कैमरे में दिखा कि मैंने तेरे को यहां पर किस कर दिया, ये वहां पर सिद्धार्थ बोलते हैं। लेकिन वहां पर सारा फोकस अब्दुल्ला पे होता है क्योंकि बहुत चिल्लाती है यार, मन तो कर रहा था अब्दुल्ला का मुंह वहां पे टेप चिपका दूं उसका, क्योंकि हमें सिडनाज की क्यूट कन्वर्सेशन सुनने को नहीं मिली, लेकिन हम सब ने इसको अच्छे से डिकोड कर दिया कि वहां पर सिद्धार्थ ने शहनाज गिल के हाथ पे एक बहुत ही क्यूट सा लव बाइट किया था, जो कि काफी ज्यादा उस मोमेंट पे बढ़िया लग रहा था। उसके बाद सिद्धार्थ शहनाज की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि जो मेबलिन वाला फोटो शूट हुआ था उसके दौरान शहनाज गिल ने बहुत बढ़िया बढ़िया पोजेस बनाए थे, जो कि सिद्धार्थ को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे। सिद्धार्थ एक एक करके पोजेस बता रहे थे शहनाज को कि तूने कितना ज्यादा परफेक्ट किया, शहनाज काफी ज्यादा तेरे पे बढ़िया लग रहा था। सिद्धार्थ पॉइंट टू पॉइंट बता रहे थे शहनाज तूने ये बहुत बढ़िया किया, ये बहुत बढ़िया किया। शहनाज को लग रहा था कि सिद्धार्थ मुझे चिढ़ा तो नहीं रहा है। फिर शहनाज बोलती है सिद्धार्थ ऐसा क्यों करता है, सच सच बोलना। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं सच ही तो बोल रहा हूं यार, इसीलिए तो पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं, नहीं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलता हूं। इसका मतलब दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला ने काफी गौर से शहनाज गिल को फोटोशूट दिखा और उसको काफी ज्यादा इंजॉय किया, इसलिए तो सिद्धार्थ शुक्ला ने डिटेल से बताया, पॉइंट टू पॉइंट बताया, जो कि बहुत ही ज्यादा उस मोमेंट पे बढ़िया लग रहा था। फिर शहनाज बोलती है दर्द हो रहा है यार, सिद्धार्थ दर्द हो रहा है, अपने हाथ दिखाती है शहनाज की बहुत ज्यादा वहां पे दर्द हो रहा है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं हाँ थोड़ा सहना तो पड़ेगा यार। देखिए सिद्धार्थ का कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि सना मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो यार इस प्यार के लिए थोड़ा सा ना तेरे को दर्द तो सहना ही पड़ेगा। और उसके बाद शहनाज बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। तो यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि सिद्धार्थ प्यार करता था शहनाज नहीं, शहनाज प्यार करती थी सिद्धार्थ नहीं। देखिए जिन्होंने बिग बॉस 13 अच्छे से देखा है ना, उनको अच्छे से पता है कि सिडनाज की जोड़ी सिर्फ एक दूसरे के लिए बनी है। अभी भी बहुत सारे लोग समझते थे कि ये फेक करते हैं, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है दोस्तों कि सिडनाज की जोड़ी हमेशा से रियल थी, जेन्युइन थी। इनके जैसा प्यार पूरे बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक किसी ने किया ही नहीं है। और सिडनाज की लव बाइट की वीडियो देख के यार इतना बढ़िया लगता है ना, जब हम सिडनाज की लव बाइट के मोमेंट्स देखते हैं कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला अपनी शहनाज गिल को किस करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है यार। सिद्धार्थ ने तो बोल दिया था जा कैमरे पे चिल्ला, सबको बता दे, पूरी दुनिया वालों को बता दे कि सिद्धार्थ ने तेरे को किस किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सिडनाज तब तक के लिए सिडनाज की कुछ और अनसीनन देखी वीडियो देखते हैं, सामने ऑप्शन आ रहा होगा इनमें से किसी एक वीडियो को जरूर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अनसीन अनदेखी के साथ। तब तक के लिए इनमें से किसी एक वीडियो को जरूर इंजॉय करना। और हाँ सिडनाजियंस, आप सब लोग अपना जरूर ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।